इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कलेक्शन एजेंट से 3 लाख की लूट को अंजाम दिया था। आरोपियों से पुलिस ने 2 लाख रुपए बरामद किए, वहीं 2 आरोपी अब भी फरार है। घटना देर रात गंगवाल बस स्टैंड की है, जहां बर्तन की मार्केटिंग करने वाले कलेक्शन एजेंट कमल प्रजापत कलेक्शन का रुपया लेकर इंदौर पहुंचे थे, जिनके पास 3 लाख रुपए नगद थे। उसी दौरान 3 युवक बाइक सवार इनके पास पहुंचे और इनसे मारपीट करने लगे। वो बैग छीनने की कोशिश की, इसी दौरान तीनों आरोपी बैग लेकर फरार हो गए। पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने रात भर कड़ी मेहनत कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक लूट की घटना को अंजाम फरियादी के साथ रहने वाले अभिषेक ने ही लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने कड़ाई से जब इससे पूछताछ की तो उसने पूरी लूट की कहानी पुलिस को बयां कर दी, जिसमें आरोपी अभिषेक ने बताया कि उस पर लाखों रुपए का कर्ज है और इसी कार्य को पूरा करने के लिए उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से 2 लाख रुपए बरामद किए हैं, वहीं 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनके पास से 1 लाख रुपए बरामद होना बाकी है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। कल रात्रि में 10:30 बजे करीब थाना प्रभारी छत्तीपुरा श्री पवन सिंगल को सूचना प्राप्त हुई कि कमल प्रजापत नामक व्यक्ति के साथ में एक लूट की वारदात हो गई है। तत्काल थाना प्रभारी CSP और एडिशनल SP साहिबान मौके पर पहुंचे, फरियादी कमल से घटना का विवरण लिया। फरियादी ने बताया कि वो राजेश मुंदड़ा की बर्तन की दुकान पर कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता है और आज हरदा तरफ से 3 लाख रुपए लेकर आया था। नौलखा बस स्टैंड पर उसी के साथ दुकान में काम करने वाला अभिषेक उसको लेने आया और वहाँ से वो घर जा रहा था। रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश आए, उनको रोका, उसके साथ लात घूसों से मारपीट की और रुपयों से भरा बैग छीनकर ले गए। प्रथम दृष्टया फरियादी के साथ लूट की एक संगीन वारदात घटित हुई थी। थाना छत्रीपुरा पर धारा 394 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना की गई। थाना प्रभारी छत्रीपुरा और उनकी टीम द्वारा लगातार रात भर मेहनत की, राजेश मुंदड़ा से बातचीत की तथा आसपास से एक तथ्य सामने आया कि फरियादी कमल प्रजापत को नौलखा बस स्टैंड पर लेकर आने वाला अभिषेक को कई लोगों के रुपए लेने देने की बात करता था और इसी शक के आधार पर टीम द्वारा रात भर अभिषेक से पूछताछ की गई। घंटों की पूछताछ तथा साइंटिफिक एविडेंस के साथ में जब अभिषेक को इंटरोगेट किया गया तो अभिषेक ने जो घटना का विवरण बताया वो इस प्रकार है कि अभिषेक को कई लोगों के पैसे देने हैं और उन लोगों से उधार लेता देता रहता है और उसने उसको ये मालूम रहता है कि कमल जब भी बाहर जाता है 2-5 लाख रुपया कम से कम लेकर आता है, तो उसने अपने साथी मोहित के साथ मिलकर कमल के साथ लूट की घटना घटित करने का षड्यंत्र रचा। मोहित ने अपने 3 साथी ऋतिक, कालू और दीपक को कमल को लूटने के प्लानिंग में तैयार किया और फिर जब फरियादी कमल अभिषेक के साथ आ रहा था तो ऋतिक, दीपक और कालू ने फरियादी के साथ लूट की घटना घटित की। बाद में दीपक और कालू दोनों अपने हिस्से के 50-50 हज़ार रुपये ले गए और शेष 2 लाख रुपया उन्होंने मुख्य षड्यंत्रकारी मोहित के घर पर रखा। बाद में पुलिस ने मोहित की निशानदेही से उसके घर से 2 लाख रुपए
बरामद किए। आरोपी ऋतिक की निशादेही से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। दो आरोपी कालू वालेकर और दीपक दवे, जिनके हिस्से में 50-50 हज़ार रुपये आए थे, फरार हैं। मेरे द्वारा दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 2-2 हज़ार रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। बहुत जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे। एक सनसनीखेज लूट की वारदात का खुलासा करने वाली टीम, एडिशनल एसपी और अभी प्रभार में चल रहे सीएसपी जूनी को प्रशंसा पत्र, तथा थाना प्रभारी छत्तीपुरा श्री पवन सिंगल और उनकी पूरी टीम को उप पुलिस महानिदेश निरीक्षक महोदय द्वारा 20 हज़ार रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। थैंक यू। हाँ, इसमें जो दो आरोपी हैं कालू एवं दीपक, इन्होंने नाबालिग स्थिति में थाना छत्तीपुरा में ही एक हत्या के अपराध को अंजाम दिया था। चूँकि तत्समय ये नाबालिग थे, इस कारण से इनकी जल्दी जमानत हो गई बाहर आके। तो इस प्रकरण के साथ साथ उस हत्या के प्रकरण में भी माननीय न्यायालय से तेजी के साथ में अभियोजन साक्ष्य पूरा कर इनकी अनुरोध किया जाए। बताया ना कि आरोपियां, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे ही उठाई गिरे हैं, और पूर्व में भी आपराधिक हत्या जैसे अपराध में आरोपी रह चुके हैं। जैसा कि बताया, जो अभिषेक ने बताया था कि उसने मोहित के साथ मिलकर इस घटना को घटित करने का षड्यंत्र रचा, और मोहित ने ऋतिक, दीपक और कालू को तैयार किया। दोनों लोगों को 50-50 हज़ार रुपये मिले और वो भाग गए, वहाँ लेके चले गए अपना हिस्सा, और बाद में मोहित, ऋतिक और अभिषेक के साथ में उस 2 लाख रुपये में से इससे बांट करते। उससे पूर्व भी पुलिस के द्वारा इन सभी आरोपियों को, 3 आरोपियों को 2 लाख रुपये और घटना में युक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। थैंक यू।